Hello everyone, myself Parminder Kaur and welcome to my YouTube channel Parminder Computer Success. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन इश्यूज इन रियल टाइम सिस्टम डिजाइन। ये एक PYQ है। जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो चेक करा है तो आपने देखा होगा मैंने आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में बताया था। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन मैंने आपको की टाइप्स बताई थी। फिर मैंने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम डिस्कस करी थी। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज इश्यूज इन द रियल टाइम सिस्टम डिजाइन। जैसे कि आप जानते हो कि रियल टाइम सिस्टम को डिजाइन करना एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों चैलेंजिंग टास्क है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैलेंज comes from the fact that real-time system have to interact with real-world entities. क्योंकि real-time system को real-world entities के साथ interact करना पड़ता है, इसलिए जो real-time system है उसको design करना मुश्किल है. A typical real-time system might be interacting with thousands of such entities at the same time. एक real time system को at a time thousands of entities के साथ interact करना पड़ता है, इसलिए जो real time system है उसको बहुत आराम से जो architects हैं वो इसको design करते हैं. For example, a telephone switching system routinely handles calls from tens of thousands of subscribers. कि बहुत सारे subscribers की calls को telephone switching system को handle करना पड़ता है. And the system has to connect each call differently. और हर call को जो system है वो differently जो है वो connect करता है. तो अगर हम फर्स्ट सिस्टम की बात करें, इसमें जो फर्स्ट इशू है वो क्या है? इसमें जो फर्स्ट इशू है वो है रियल टाइम रिस्पॉन्स. फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट इज रिकवरिंग फ्रॉम फेलियर. ये भी एक इशू है रियल टाइम सिस्टम डिजाइन का. Then next है जो last है that is working with distributed architects. अभी हम देख लेते हैं जो first issue है वो कौन सा है. So the first issue is real time response. जो real time systems हैं they have to respond to external interactions in a predetermined amount of time. Predetermined amount of time में जो रियल टाइम सिस्टम है उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है. एंड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एन ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट एंड टाइमली ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है जो रियल टाइम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके. तो रियल टाइम रिस्पॉन्स जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है रियल टाइम सिस्टम की डिजाइनिंग में.
The designers have to focus very early on the real-time response requirements. During the architecture design phase, जो hardware और software engineers हैं, they have to work together. Real-time system को बनाने के लिए hardware और software engineers को इकट्ठे काम करना पड़ता है to select the right system architecture so that they will meet the requirements. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है इंटरकनेक्टिविटी ऑफ प्रोसेसर्स, लिंक स्पीड्स, प्रोसेसर स्पीड्स एक्सेट्रा. डियर लर्नर्स, ये टॉपिक जो है रियल टाइम डिजाइन इश्यूज ये पीसीए, पीजीडीसीए और एमसीए के पेपर में आता है. और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो बीसीए, पीजीडीसीए, MCA को मैं कोचिंग देती हूँ. एक्सेप्ट मैथ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8264245926. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. और अगर आपको ये वाला मटेरियल चाहिए, दैट रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस से ले सकते हो. So the next issues in real-time system design is recovering from failure. So real-time system must function reliably in the event of failures. अब जो real-time systems हैं उसको कई बार failures को भी face करना पड़ता है. तो system ऐसा होना चाहिए जो failures को recover कर सके. Failure कौन-कौन से हो सकते हैं? The failure can be internal as well as external. इंटरनल फेलियर्स कौन से हैं? इंटरनल फेलियर्स कैन बी ड्यू टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स इन द सिस्टम. और अगर मैं एक्सटर्नल फेलियर्स की बात करूं, इसमें आता है इनवैलिड बिहेवियर ऑफ एक्सटर्नल एंटिटीज एंड इंटरकनेक्टिविटी फेलियर, राइट? नेक्स्ट इज वर्किंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट. रियल टाइम सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्ट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. तो ये भी इसके डिज़ाइन में एक मेजर इशू है. तो मोस्ट रियल टाइम सिस्टम इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑन सेवरल डिफरेंट नोड्स. द सिस्टम इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोसेसिंग लोड अमंग सेवरल प्रोसेसर्स. तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. तो इसके कारण भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग प्रोसेसर्स सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली. तो ये कुछ इश्यूज हैं जो रियल टाइम सिस्टम डिजाइंस के. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है. ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको ये फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, एक दो रीडिंग दोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर टाइम.